किसान सुप्रीमो पप्पू यादव के जितने भी समर्थक हैं उन्होंने बिजली बिल को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया है और विद्युत ऑफिस में पहुंचे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 24.10% बिजली बिल में बढ़ोतरी हुई है, उसको लेकर आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के जितने भी समर्थक हैं वो सभी लोग प्रदर्शन किए हैं विद्युत भवन के बाहर। और लोग जैसे ही विद्युत भवन के बाहर पहुंचे, मैं कैमरामैन से चाहूंगी कि एक बार आप दिखा दें, गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि वो लोग अंदर ना पहुंच सके और अपनी बातों को ना रख सके। आइए सुनते हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के समर्थकों ने क्या कुछ कहा है। हम लोगों ने सैकड़ों युवाओं के साथ जन अधिकार युवा परिषद आयकर गोलंबर से ये विद्युत भवन तक विरोध प्रदर्शन किया है। इसमें साफ संकेत है, जिस तरह से आपने निजीकरण करके और जनता को पहले ही लूटा है प्रीपेड मीटर के माध्यम से, और जो प्राइवेट कंपनियां हैं मनमानी रुपया वसूल रही है और जनता कहीं ना कहीं आक्रोश में जीने के लिए मजबूर है और उसके पेट को जबरदस्ती काटा जा रहा है, उसके पॉकेट को काटा जा रहा है। और आज फिर बिजली में 24.10% आपने बिजली दर बढ़ा के एक तरह से जनता को फिर से आपने लूटने का काम किया है। अब जब तक ये बिजली विभाग नहीं है, लूट विभाग है, जब तक बिजली दर यदि कम नहीं होता है हमारा आंदोलन बड़े पैमाने पर होगा और उग्र होगा। और सबसे बड़ी बात कि पहले तो केंद्र ने लूटा, केंद्र ने पॉकेट में हाथ डाला, अब बिहार सरकार का भी कमोबेश रवैया यही हो गया है। क्या लगता है दोनों का एक ही नीति है? देखिए, अभी तो जो बिजली विभाग है ये लूट विभाग बना हुआ है, आम आदमी की समस्या बना हुआ है। केंद्र सरकार सिलेंडर दी, गायब कर दी, अब बिहार सरकार बिजली दी, यहू गायब करने की स्थिति में है। तो हमारा संदेश साफ है कि जब तक बिजली दर कम नहीं होगा जन अधिकार पार्टी यूं ही आंदोलन करता रहेगा और बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगा।